इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, दोस्तों हम फोटोशॉप के कोर्स के सेकंड पार्ट में है। पहले पार्ट में हमने ये सीखा कि हम अपने फोटोशॉप को कैसे ओपन कर सकते हैं, अपने लिए कैसे नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, कैसे इंटरफेस को सेट कर सकते हैं कलर, और कैसे टिक्स को अरेंज कर सकते हैं टाइप टूल को, कि हम अपने उर्दू पश्तो टिक्स को कैसे फोटोशॉप में टाइप कर सकते हैं। अभी आए हम सेकंड पार्ट में दोस्तों। सेकंड पार्ट में ये जो टॉप टॉप में है, ये मेन्यू बार है दोस्तों, जिसको हम ट्यूटोरियल्स के बीच बीच में ईच मेन्यू को यूज़ करेंगे। अगर हम अभी हर मेन्यू को आपको एक्सप्लेन करते रहें तो शायद आपको कंफ्यूजन हो। ये अच्छा है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे काम करके साथ साथ में ये मेन्यू को भी आप लोगों को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे दोस्तों। तो बेसिकली हमारे पास ये मेन्यूज है जिसका डिफरेंट काम होता है। सबसे ये जो फाइल मेन्यू हो, इससे हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं दोस्तों, ओपन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओपन रिसेंट, जो हमने रिसेंटली काम किया वो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से सेव एंड सेव एज एक्सपोर्ट सब हम मेन्यू में कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में एडिट में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉपी, कट, पेस्ट, क्लियर, पेस्ट स्पेशल एंड रेफरेंस, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको सब एक्सप्लेन करते रहेंगे साथ साथ में हम ट्यूटोरियल्स के बीच में। उसके बाद दोस्तों ये प्रॉपर्टी बार है, जिसके हर टूल को सिलेक्ट करने से प्रॉपर्टी बार चेंज होती रहती है दोस्तों। हर टूल का अपना अपना प्रॉपर्टी बार होता है, जिसको हम उसी टूल के अंदर इस सब को हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स है, सॉरी टूल्स नहीं है, कुछ विंडोज़ है, जो यहाँ से हम इसको पैनल्स है दोस्तों, इस पैनल को हम यहाँ से यहाँ पे लेके आ सकते हैं दोस्तों, अगर हमें किसी पैनल की ज़रूरत हो और यहाँ पे नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैनल है, इसको मैं यहाँ से बेसिकली यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेके आ सकता हूँ दोस्तों। उसके बाद अगर ये इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो यहाँ से विंडोज़ में से हम स्विचेस यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और इसको कहीं भी हम अपने लिए फिट कर सकते हैं। अभी मैंने स्विचेस यहाँ पे अपने लिए फिट किए दोस्तों, यहाँ से मैं इसको निकाल के यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, और यहाँ से इसको यहाँ पे भी फिट कर सकता हूँ दोस्तों। तो ये है हमारे पैनल्स, पैनल्स सब यहाँ पे आते हैं दोस्तों। तो पैनल्स को यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम इस पैनल को फ्लेक्सिबल है, इसको हम छोटा बना बड़ा बना सकते हैं यहाँ से। तो हम अभी जितना भी हमारा काम है, यहाँ पे टूल है, जितने भी टूल्स है, इस टूल्स को हम यहाँ से सिंगल लेयर में और डबल में इसको हम सेट कर सकते हैं दोस्तों। अभी जितना भी हम फोटोशॉप में काम करेंगे, ग्राफिक बनाएंगे, लोगो बनाएंगे, तो इस टूल्स की मदद से हम बना सकते हैं दोस्तों। इसमें पेन टूल है, इसमें शेप टूल्स है, इसमें स्टम्प है, इरेसर है, क्रॉप टूल है, आई ड्रॉपर है, ब्रशेस है, मूव टूल है, इसमें सिलेक्शन टूल है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोशॉप में, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है इस टूल्स का। इस टूल्स के टॉप में सबसे पहले हमारे पास मूव टूल है, क्यों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, जिसको हम अपने फोटोशॉप लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हम फोटोशॉप में जंप करते हैं, तो सबसे पहले हम मूव टूल को लेके किसी भी ऑब्जेक्ट को इसको मूव कर सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट को मूव टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं इस सिलेक्शन में हूँ, तो इवन हम इस मूव टूल का ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ता है दोस्तों।
जब भी मैं मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका जो प्रॉपर्टी बार है वो जाहिर होता है दोस्तों, जिसमें ऑटो सिलेक्शन है। अगर ये ऑटो सिलेक्शन नहीं है तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ से भी पकड़ के इसको मूव कर सकता हूँ दोस्तों। इसमें बहुत टेंशन होता है तो इसको हम ऑलवेज चेक करते रहते हैं। देखिए अभी है, यहाँ पे काम नहीं करते। जब मैं उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ तभी उसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो ऑटो सिलेक्शन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अलाइन टूल्स है। अलाइन टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते? अलाइंस टूल को हम कभी यूज़ कर सकते जब हमारे ये मूव टूल सेलेक्ट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ से कंट्रोल एन और सेलेक्ट ऑल, यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये एक्टिव हो गए। हमारे जो अलाइन टूल है वो एक्टिव हो गए। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सेंटर में रखना चाहता हूँ तो इसको और इसको मैं दुबाने से क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये ऑब्जेक्ट सेंटर में हो गया। अभी अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं इसको दबाता हूँ, तो देखिए ये राइट साइड में अलाइन हो गया। अभी इसको हम लेफ्ट में अलाइन करना चाहते, बॉटम में अलाइन करना चाहते और टॉप में अलाइन करना चाहते, तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मूव टूल जिसकी वजह से हमने अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते, अलाइन कर सकते। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ सिलेक्शन टूल इस पे काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।